वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम इन अ न्यू व्लॉग। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने चारकोल पिलाव मास्क अप्लाई किया हुआ है एंड एंटी ब्लैकहेड जेल मास्क है फॉर सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन। और ज़्यादा मैं पक पक नहीं करने वाली हूँ, बट आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सा अप्लाई किया हुआ है। सो यू कैन सी मैंने ये वाला अप्लाई किया है एंड इसके बैक साइड पे आपको सब कुछ मेंशनड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन, हाउ टू यूज़, इसके इंग्रेडिएंट्स। तो आप चाहें तो यहाँ से बाकी की नॉलेज इसके बारे में ले सकते हैं एंड आप भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। सो डू कंटिन्यू गाइज एंड सी गाइज, अब ये फुल्ली ड्राई हो चुका है और मैं इसे हल्का सा टैप टैप कर लूँगी पूरे फेस पे और फिर इसको पील ऑफ करूँगी, जिससे टैप टैप करने से क्या होता है ना कि ये इजिली विदाउट पेन ये जो है पील हो जाता है। सो आप भी ये वाली ट्रिक ज़रूर ट्राई करना। एंड गाइज, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई डेफिनेटली विल आंसर यू। एंड हाँ, स्टे टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। So be continue guys. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets. And now guys, मैंने easily इसे peel off कर लिया है और अब मैं face को wash नहीं करूँगी, मैं directly moisturizer apply करने वाली हूँ। And as a moisturizer मैं हमेशा अपना aloe vera gel use करती हूँ जो कि good vibes का है, multi यूजेज है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो आप भी चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैं चल रही हूँ लंच करने क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है और you know, आज सिस्टर की ससुराल से आया है खिचड़ा और पता है सबसे पहले खाने बैठ गई है और इतना सारा खाली भी कर चुकी है। सो अभी मैं चल रही हूँ खाने इससे पहले कि ये पूरा ख़त्म हो जाए। खिचड़ा किस किस के यहाँ बनता है एंड किस किस को ज़्यादा पसंद है कमेंट बिलो राइट नाउ गाइज। एंड ये देखो सलाद भी आया हुआ है भर भर के। एक तो ये खिचड़ा और दूसरी बिरयानी, ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो नींबू के बिना तो मतलब अधूरी सी रहती हैं, है ना। और मज़े की बात तो तब होती है जब लास्ट में खिचड़े को खाना नहीं पीना पड़ता है ना। तो किस किस के साथ ऐसा होता है गाइस कमेंट में। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं मम्मा के साथ कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, आके फिर मैं आपसे मिलूँगी। और तब तक आप अस्का की वीडियो को एंजॉय कर लीजिए। ओके गाइस, अभी कंटिन्यू। बस कहाँ जा रही हो? दावत। किसके किसके यहाँ दावत जा रही हो? सहेली। बताओ जल्दी, किस चीज़ की दावत है, क्या खाओगी? क्या खाओगी वहाँ? खिचड़ा। खिचड़ा कैसे खाओगी? नाम उठा के ढेर सारा। नाम नाम उठा के ढेर सारा। 2000 years later. Hey guys, so आज है 9वीं, आई मीन मुहर्रम की 9वीं और कल होगी 10वीं। तो मम्मा किचन में है, त्यौहार की तैयारी में लगी हुई है। सो अभी मैं भी कुछ हेल्प कर देती हूँ मम्मा की। सो गाइज, फाइनली मैंने आटा तैयार कर लिया था तो अभी हम बना रहे हैं रोटी, हम मतलब मैं और मेरी सिस्टर। और अभी दाल वाल सब भीगी हुई है, बहुत सारे काम हैं यार। सो फटाफट से कुछ ना कुछ हेल्प करवाऊंगी मम्मा की और मैं अब आपसे बाद में मिलूंगी। ओके, क्योंकि बहुत काम है। सो बी कंटिन्यू गाइज एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
नेक्स्ट डे। यार कल इतनी बुरी हालत हुई थी मेरी, तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैं मतलब उठ ही नहीं पाई। पूरे 24 घंटे लगभग होने को हैं जब मैं उठी हूँ, और ये अभी नानी के यहाँ से कुछ आया हुआ है, कुछ मतलब फिर से खिचड़ा, और फिर इसमें देखते हैं क्या है। मेरे कज़िन्स लेके आए हुए हैं और इसमें है आई थिंक मलीदा होगा। यार दो दिन पूरे त्यौहार के बीत चुके हैं और घर से बाहर जाने को नहीं हुआ। हम लेडीज़ों का काम ही यही होता है ना, बस बनाओ खिलाओ, है ना। सो गाइज, नाव 3 से 4 दिन हो चुके हैं जब से मैं इस वाले व्लॉग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड फाइनली वो टाइम आ गया है जब मैं इसका दी एंड करने वाली हूँ। सो गाइज, अभी हम इंजॉय कर रहे हैं फालूदा कुल्फ़ी, और इस फालूदे के साथ मेरा भी फालूदा बन जाए उससे पहले मैं इस व्लॉग का दी एंड करती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।